हेलो एवरीवन, दिस इज अमदा, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज से मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ जो है मुंबई ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुंबई में सारी वो प्लेसेस जो घूमने के लिए काफ़ी अच्छी है और सारी वो प्लेसेस जहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा है, भले वो होलसेल मार्केट हो या रिटेल मार्केट हो, और मुंबई का खाना। सो ये सीरीज में ये सब आएगा। सो रेडी हो जाइए मुंबई ब्लॉग की सीरीज देखने के लिए। तो आज हम आए हैं क्रॉफर्ड मार्केट। सो दोस्तों, मैं पहले उसकी हिस्ट्री बता दूंगा, फिर मैं उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, फिर वो क्रॉफर्ड मार्केट में क्या क्या मिलता है वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, क्रॉफर्ड मार्केट 1869 में बन के कम्प्लीट हो चुका था और 1871 से वहाँ पे बिजनेस शुरू हो गया था। क्रॉफर्ड मार्केट का सबसे पहले नाम महात्मा ज्योतिराव फुले मार्केट था, जिसको बाद में चेंज करके क्रॉफर्ड मार्केट कर दिया गया था, जो एक सिटी म्यूनसिपल कमिश्नर आर्थर क्रॉफर्ड के नाम से था। अब उसके आर्किटेक्चर पे आते हैं तो ये 72,000 स्क्वायर यार्ड्स में बना हुआ है और इसका जो एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, काफ़ी यूनिक है और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि डे टाइम में भी इसके अंदर तक एम्पल ऑफ सनलाइट पहुँचती है। सो ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, फिर बात करें कि क्रॉफर्ड मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, जो मैं पहले के व्लॉग में बता चुका हूँ पहले ही। और जब बात अंदर की करें तो अंदर क्रॉफर्ड मार्केट में आप फूड आइटम्स लो, कॉस्मेटिक्स लो, घर के लिए कोई सामान, घर के किचन के लिए कोई सामान, या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल जो चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्रॉफर्ड मार्केट में एनिमल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो पार्ट शूट करना अलाउड नहीं है, बल्कि ये भी पार्ट शूट करना अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मैंने मैनेज करके शूट किया है। सो मैं सोच रहा था कोई दुकान वाले से हो सके तो मैं इंटरेक्ट करूँ, लेकिन कोई भी दुकान वाला रेडी नहीं है इंटरेक्ट करने को। सो जैसे हुआ, मैं जैसे हो सके वैसा शूट किया है। और दोस्तों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, क्रॉफर्ड मार्केट उसके मार्केट के वजह से इतना ज़्यादा फेमस है कि जो फॉरेनर्स है जो इंडिया विज़िट कर रहे हैं वो भी क्रॉफर्ड मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं। क्रॉफर्ड मार्केट में आप जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो सब भी मिलता है, और फिर ये देखिए, जैसे कि मैं आप लोग बता रहा हूँ, फ्रूट्स भी मिलते हैं और फिर बैग्स, फिर एंटिक्स आइटम जो भी है वो सब क्रॉफर्ड मार्केट में मिलते हैं। और जिसके बजट, जिसको अगर कुछ बजट में लेना है तो क्रॉफर्ड मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाई समथिंग। सो दोस्तों, अगर मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप मुंबई से नहीं और मुंबई विज़िट कर रहे हो तो डू विज़िट क्रॉफर्ड मार्केट वन टाइम, काफ़ी अच्छी प्लेस है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है। सो दोस्तों, एक बार ज़रूर विज़िट करना इसे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये थी क्रॉफर्ड मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अगर आप में से किसी को इससे ज़्यादा पता है तो कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो गाइस, एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट, साइनिंग आउट एचआर ब्लॉग्स।